नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर में मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के बाद उस व्यक्ति की अपनी यादों को संजोए रखने के लिए उसकी फोटो को हम दीवार पर क्यों लगाते हैं, ऐसा करना क्या शुभ है या अशुभ है, अगर हमें अपने परिवारजनों में हुई मृत्यु की फ़ोटो लगानी चाहिए तो कहाँ पर लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसीलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसीलिए अगर भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। संसार में जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है, लेकिन जन्म लेना उसका सफल है जिसके जन्म से कुल की उन्नति हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपने हमेशा ही अपने पितरों की फोटो अपने घर में लगी हुई जरूर देखी होगी, और केवल फोटो ही नहीं, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी निशानी के तौर पर संभाल कर रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका ऐसा करना सही है या गलत। लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढते रहते हैं कि घर में मृत परिजन की फ़ोटो लगानी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। मृत परिजनों की फ़ोटो हमें घर में लगाना चाहिए या नहीं, और लगाना चाहिए तो उसे कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगाना अच्छा रहेगा, गलत स्थान पर फोटो लगाने से आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आराधना करते हैं, हालांकि कई बार जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें लाभ की जगह हानि भोगनी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में उनके फोटो लगा दी जाती है और उसमें एक फूल माला डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन फोटो को कहाँ और कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसका भी एक नियम बताया गया है। अगर आप अनुचित स्थान पर मृत परिजन की फोटो लगाते हैं तो उसे आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मृत परिजन की फोटो घर के मंदिर या फिर देवी देवता के साथ लगा देते हैं, जो कि ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। इसे आपको लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं और ऐसा करना देव दोष की श्रेणी में आता है। मरने वाले लोगों की फोटो घर के मध्य भाग में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपका मान सम्मान कम होने लगता है। इसके अलावा पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर भी आपको मृत परिजनों की फोटो नहीं लगानी चाहिए, इससे धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की फोटो घर में एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए, ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा पितरों की तस्वीर का लटकना या झूलना भी सही नहीं माना जाता। मरने वाले लोगों की फोटो जीवित लोगों के साथ कभी भी नहीं लगानी चाहिए, इससे स्वभाव में नकारात्मकता का संचार होने लगता है। मृत परिजन के फोटो को शयन कक्ष और रसोई कक्ष में भी लगाने से बचना चाहिए, इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में अशांति का माहौल बना रहता है। अब आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मृत परिजनों के फोटो को कहाँ लगाना चाहिए, तो आइए उसे भी जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में पूजा पाठ का स्थान उत्तर पूर्व में है तो पितरों के फोटो को पूर्व में लगाया जा सकता है। वहीं अगर पूजा स्थान पूर्व दिशा की ओर है तो फोटो को आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। अगर पूजा घर के अलावा किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगी है तो उत्तर दिशा की दीवार पर आपको उनकी फोटो लगानी चाहिए, जिससे पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे। ये मृत परिजनों की फोटो लगाने का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। पूर्वजों की फोटो घर के किसी एक ही स्थान पर लगानी चाहिए, वो स्थान ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी आप मृत परिजनों की फोटो अपने घर में लगाएं तो फोटो के नीचे किसी भी लकड़ी के गट्टे का उपयोग जरूर करें, जिससे फोटो लटकी या फिर झूलती हुई दिखाई ना दे। मित्रों, घर के पूर्वजों की फोटो केवल आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं, इसीलिए आपको उसे ऐसे स्थान पर ही लगाना चाहिए जहां पर किसी अतिथि की नजर ना पड़े और आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें, तो ये आपके लिए अच्छा है। हालांकि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ये भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना
भावना उत्पन्न होने लगती है, जिससे किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं हो पाता। अगर आप अपने पितरों की तस्वीर को अनुकूल स्थान इतना उत्पन्न होने लगता है जिससे किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं हो पाता। अगर आप अपने पितरों की तस्वीर को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते तो इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक तनाव, व्यापार में हानि, परिश्रम करने के बावजूद भी फल की प्राप्ति ना होना, विवाह या फिर वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होना। अगर आम भाषा में कहा जाए तो व्यक्ति और उसके परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृ दोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति गोचर दशाएं ठीक होने पर भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। पूजा पाठ, दान पुण्य और देवी की अर्चना की जाए फिर भी उनको उसका सही फल नहीं मिल पाता। माना जाता है कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये ऋण नहीं चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। मित्रों, पितृ दोष 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं, अधोगति वाले पितरों के कारण और उदर व्यक्ति पितरों के कारण। उद्योग वाले पितृ दोषों का कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, बेमानी से कमाया गया धन और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग है। और परिवार के किसी प्रियजन को बिना किसी कारण के कष्ट देने पर भी पुत्र क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल देते हैं। उदर व्यक्ति वाले पितृ सामान्यतः पितृ दोष उत्पन्न नहीं करते, लेकिन उनका किसी भी रूप में अपमान करने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करने पर वो पितृ दोष उत्पन्न करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर ले, लेकिन उनके कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृ दोष ही होते हैं। ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं। जब तक पितृ दोष का विधि विधान से निवारण नहीं किया जाता, तब तक आने वाले पीढ़ियों को भी कष्ट देते रहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और विशेष समय निर्धारित किए गए हैं जिनमें इसका पूरा निवारण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष ही एक ऐसा अवसर है जब पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि और नाथ बलि का विधान विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसे करने के बाद पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। दोस्तों, अब प्रश्न ये भी उठता है कि हमें तस्वीर किस ओर लगानी चाहिए, और घर की दीवारों पर तस्वीरें भी बोलती हैं। हमें अपने घर में तस्वीरें लगाने से पहले वास्तव में विचार करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मन कहता है, हमारे घर में ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए जिन्हें देखते ही मन खुशियों से भर जाए। हमें अपने घर में सुंदर फूलों की, बहते झरनों की, चहचहाते पक्षियों की, उदय होते सूर्य की, या फिर खिलखिलाते सुंदर बच्चों की, या फिर ऐसे मनोरम नृत्य करती मुद्राओं की जिन्हें देखकर मन मयूर बन के नाचने लगे। तस्वीरें कुछ कहती भी नहीं, अपना प्रभाव ही छोड़ती हैं। दोस्तों, घर में नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मक ऊर्जा फैला देती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, प्रसन्न चित्त वाली ही तस्वीरें अपने घर पर लगाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।